दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट से विराट कोहली ने लिया अचानक से संन्यास, तो क्या बोले पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली के संन्यास की खबर इस समय काफी तेजी से फैल रही है। ऐसे में विराट कोहली के संन्यास को देखकर पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए। इस बीच वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक ने विराट कोहली के संन्यास को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार विराट कोहली के संन्यास को लेकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन महान खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम को आईपीएल की तैयारी में भी लगना है। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से फिलहाल विराट कोहली काफी ज्यादा चर्चित रहने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर विराट कोहली को खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि विराट कोहली ने पर्सनल कार्ड का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में विराट कोहली के वापस नाम लेने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और ये खबर आग की तरह पूरे इंटरनेट में फैल चुकी है। ऐसे में विराट कोहली के संन्यास की खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली के संन्यास की खबर को सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी अचानक से संन्यास लेता हुआ दिखाई दिया है। विराट कोहली भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर पूरी दुनिया को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी शायद इस समय भारतीय क्रिकेट के साथ साथ पूरी दुनिया की क्रिकेट के पास कोई भी नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने पूरी दुनिया को अपने प्रदर्शन के दम पर बताया है कि वो एक मास्टर क्लास बल्लेबाज हैं जो किसी भी टीम के पास होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली की संन्यास की खबर को सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के फिलहाल की स्थिति में भारतीय क्रिकेट या फिर क्रिकेट जगत के अंदर किसी खिलाड़ी के पास मौजूद है, क्योंकि विराट कोहली ने जो काम भारत के क्रिकेट के लिए किया है वो शायद किसी और खिलाड़ी ने किसी भी क्रिकेट टीम के लिए नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली के परिश्रम की दुनिया दीवानी है, उनके कार्य करने के जुनून को हर कोई सलाम करता है। विराट के संन्यास की खबर सुनकर मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ, और मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ने इतनी जल्दी भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट के अंदर विराट कोहली से बेहतर खिलाड़ी कोई भी नहीं है। हालांकि विराट कोहली ने जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को अपने दम पर हमेशा से मैच जिताए हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी किसी भी टीम को मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसा एक भी खिलाड़ी अगर पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाए तो हमारी पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा मजबूत होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिलना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। हालांकि उनके संन्यास की खबर को सुनकर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। तो वहीं दोस्तों, इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय क्रिकेट को कई उपलब्धियां दिलाने का काम किया जो शायद किसी और क्रिकेट टीम ने नहीं किया है। हालांकि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा खिलाड़ी का बैकअप भारतीय टीम को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान की टीम के पास फिलहाल की स्थिति में या फिर आने वाले समय में आ जाएगा तो हमारी पाकिस्तान की टीम को कमजोर कहने की गलती कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि विराट ने अपने प्रदर्शन के जरिए भारत को कई मैचेस जिताए हैं और भारतीय टीम को गौरवपूर्ण होने का मौका भी दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली का संन्यास लेने का फैसला सही है या गलत, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।